राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर सचिन पायलट पर तीखा हमला किया है। सोमवार को अशोक गहलोत ने कहा कि सचिन पायलट ने कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। उन्हें काफी कम उम्र में बहुत कुछ मिल गया था। सीएम ने कहा कि उन्हें पता था कि सचिन पायलट नाकारा थे। इससे पहले भी राजस्थान के सीएम की ओर से सचिन पायलट पर निशाना साधा जा चुका है। अब सोमवार को अशोक गहलोत ने कहा कि हमने कभी सचिन पायलट पर सवाल नहीं किया। 7 साल के अंदर एक राजस्थान ही ऐसा राज्य है जहां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को बदलने की मांग नहीं की गई। हम जानते थे कि वो निकम्मे थे, नाकारा थे, लेकिन मैं यहां बैंगन बेचने नहीं आया हूं, मुख्यमंत्री बनकर आया हूं। हम नहीं चाहते कि उनके खिलाफ कोई कुछ बोले, सभी ने उनको सम्मान दिया है। आपको बता दें कि पूर्व डिप्टी सीएम पर सीएम गहलोत ने आरोप लगाया कि ये जो खेल अभी हुआ है वो 10 मार्च को होना था। 10 मार्च को मानेसर गाड़ी रवाना हुई थी, लेकिन तब हम उस मामले को सभी के सामने लाए। अशोक गहलोत ने कहा कि वो कांग्रेस का अध्यक्ष बनना चाहते थे। बड़े बड़े कॉर्पोरेट उनकी फंडिंग कर रहे थे, बीजेपी की ओर से फंडिंग की जा रही है, लेकिन हमने सारी साजिश फेल कर दी। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज सबसे पहले पाने के लिए।